हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम भारत के विभिन्न खनिजों जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम आदि का अध्ययन करेंगे। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। उच्च कोटि के बॉक्साइट अयस्क में 55 से 65% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। बॉक्साइट को खान से निकालने के बाद पीस कर साफ कर लिया जाता है। कास्टिक सोडा मिश्रित करके इसमें से लोहा, सिलिका आदि को अलग कर लिया जाता है। इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। इसे बिजली की सहायता से एल्यूमिनियम में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह धातु एक हल्की, मजबूत, लचीली, टिकाऊ और विद्युत संवाहक होने के कारण आज एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में बॉक्साइट प्रमुख रूप से ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आदि से प्राप्त होती है। इसके अन्य क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो पहला है ओडिशा। बॉक्साइट के संचित भंडारों की दृष्टि से ओडिशा राज्य लगभग 51% योगदान के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में भी यह प्रथम स्थान पर है, जो कि 42% उत्पादन करता है। यहाँ स्थित कालाहांडी, कोरापुट बॉक्साइट पेटी आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है, जो देश का वृहदतम बॉक्साइट क्षेत्र है। चंदगिरी, बफलीमाली पर्वत, कथकल, मंजीमाली, पसंगमाली, कुन्नूमाली, कोटिंगमाली, कोटंगी बॉक्साइट खनन के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है गुजरात। संचित भंडारों की दृष्टि से गुजरात तृतीय स्थान पर है, या 9% संचित भंडार हैं। उत्पादन की दृष्टि से गुजरात द्वितीय स्थान पर है, 25% उत्पादन होता है। बॉक्साइट की 48 किलोमीटर लंबी पेटी भावनगर, जूनागढ़ तथा अमरेली जिलों से होती हुई कच्छ की खाड़ी से अरब सागर तक फैली है। प्रमुख निक्षेप कच्छ, साबरकांठा, खेड़ा और सूरत जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। यहाँ देश का 6% बॉक्साइट भंडार अवस्थित है और 9% उत्पादन होता है। रांची जिले में लोहारडागा तथा पलामू जिलों में नेतरहाट पठार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ देश का 5% बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट के निक्षेप प्रमुख रूप से कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा और कोलाबा जिलों में स्थित हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़।
यहाँ बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र अमरकंटक पठार और मैकाले श्रेणी में पाए जाते हैं। अमरकंटक पठार के अंतर्गत सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर प्रमुख जिले हैं। मैकाले श्रेणी के अंतर्गत राजनंदगांव और दुर्ग प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। यहाँ बॉक्साइट के भंडार प्रमुख रूप से नीलगिरी पहाड़ियों, पलानी और कोडाई कनाल पहाड़ियों, जिसके अंतर्गत मदुरई जिला प्रमुख है, शिवराय पहाड़ियों जिसके अंतर्गत सलेम जिला प्रमुख है, और किल्लाई मलाई पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शहडोल, मांडला, कटनी, सतना, शिवपुरी और गुना जिलों में बॉक्साइट के भंडार स्थित हैं तथा यहाँ उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में बॉक्साइट के भंडार प्रमुख रूप से क्यूपेम और कानकोना तालुकों में स्थित हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में प्रमुख रूप से दक्षिणी कन्नड़ जिले के दोद्दा बेट्टा क्षेत्र और बेलगाम जिलों में उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रमुख भंडार मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कहटागिरी और बाबा बुदन की पहाड़ियों से भी बॉक्साइट प्राप्त होता है। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर में पुंछ, राजौरी और उधमपुर जिले, उत्तर प्रदेश में बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद जिलों में बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम द्रावक। 1947 में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के केवल दो छोटे कारखाने अलवाए जो कि केरल में हैं व आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में हैं स्थापित थे, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता केवल 7,000 टन थी। तब से 8 नए रद्रावक स्थापित किए जा चुके हैं। निजी क्षेत्र में हीराकुंड ओडिशा में, बेलगांव कर्नाटक में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, मैटूर तमिलनाडु में, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कोरबा छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, दामनजोड़ी ओडिशा में और भुज गुजरात में स्थापित किए गए हैं। एल्यूमिनियम बनाने में विद्युत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए नदी घाटी योजनाओं के विकास के साथ विद्युत का उत्पादन अधिक हुआ है, अतः इस कार्य में बहुत अधिक प्रगति हुई है। तो इस प्रकार से हमने बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्रों और एल्यूमिनियम द्रावक का अध्ययन किया। नेक्स्ट है अपना खनिज मैंगनीज।
आधुनिक उद्योग धंधों में मैंगनीज का बहुत अधिक महत्व है। इस्पात उद्योग में इसका विशेष उपयोग होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान व गोवा। मध्य प्रदेश के बालघाट और छिंदवाड़ा जिलों से मैंगनीज प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में मैंगनीज प्रमुख रूप से मिलता है। ओडिशा राज्य में मैंगनीज प्रमुख रूप से गंगपुर, तालचे, बोनाई, कोरापुट, कालाहांडी आदि क्षेत्रों में विशाल भंडारों के रूप में मिलता है। कर्नाटक में बिलारी, बेलगांव, शिमोगा, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में मैंगनीज मिलता है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कर्नूल जिले में भी अल्प मात्रा में मैंगनीज मिलता है। झारखंड राज्य में सिंहभूम, गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में उदयपुर, पाली और बांसवाड़ा प्रमुख क्षेत्र हैं। गोवा में परनेम और बारदेर आदि क्षेत्रों में थोड़ी मात्रा में मैंगनीज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने बॉक्साइट, एल्यूमिनियम द्रावक और मैंगनीज आदि का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम भारत के दूसरे विभिन्न खनिजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।